हेलो दोस्तों, गेल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ग्राफिकल मेथड। एंड पहले हमने जो वीडियो की थी वो एनालिटिकल मेथड किसकी थी, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। अगर वो वीडियो नहीं देखिए तो वो प्लेलिस्ट खोल के आपको ओपन करके सोम या अप्लाइड मैकेनिक्स या फिजिक्स के फोल्डर में आप जाइए, वहां पर मिल जाएगी आपको एनालिटिकल मेथड। अब आते हैं ग्राफिकल मेथड पे। अब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, कहता है कि अगर कोई दो फोर्स लग रही है किसी बॉडी पे और उसको आप एक ऑर्डर में लेते हैं, ऑर्डर में ड्रॉ कर देते हैं, तो तीसरी फोर्स जो कि ऑपोजिट ऑर्डर में होगी और उस ट्रायंगल को कंप्लीट करेगी वो आपको रिजल्टेंट देगी, वो आपको रिजल्टेंट देगी। अब एक चीज देखो, मैं अभी समझा देता हूं किस तरह से मैं समझाना चाहता हूं। देखिए, ग्राफिकल मेथड में हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं यूज होना, कुछ नहीं टेंशन, सिर्फ पेंसिल स्केल चाहिए और यहां पे थोड़ा सा खोपड़ी में दिमाग चाहिए कि इसको करना कैसे। एनालिटिकल मेथड के लिए भाई कैलकुलेटर चाहिए होगा, थीटा अजीब सा दे दे, ठीक है, उसका स्क्वायर करो, अंडर रूट करो और थीटा लगाओ, कॉस थीटा निकालो, साइन थीटा निकालो, फिर ये करेंगे। और यहां हमारे पास क्या चाहिए, और पेंसिल और स्केल, और हम आंसर निकाल लेंगे कैसे। कि वो कह रहा है कि मान लो कि फोर्स पी हमारे पास कोई 100 न्यूटन की फोर्स लग रही है और यहां पे क्यू फोर्स है जो कि मान लेते हैं कि 80 न्यूटन की फोर्स लग रही है। कोई भी फोर्स, कितनी भी ले सकते हैं आप, कोई भी आ जाए, कोई टेंशन नहीं। तो वो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, वेक्टर एडिशन कहता है कि इसको यहां पर ड्रॉ कर लो। ड्रॉ कैसे करना, एक होता है देखो स्पेस में आप जो डायग्राम बनाते हो, स्पेस डायग्राम जो सिर्फ आपको सिर्फ लाइंस मैंने शो कर दी, मैंने ये जो लाइंस ली हैं कोई फिक्स नहीं ली, मैंने वैसी ड्रॉ कर दी, वैसी डायरेक्शन शो कर दी, इसकी भी मैंने डायरेक्शन शो कर दी और एंगल ये दिखा दिया, उसने एंगल दिखा दिया कि इन दोनों में 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल इसने बोल दिया कि 60 डिग्री का बन रहा है। अब दूसरा आ जाता है, ये आता है वैक्टर डायग्राम। वैक्टर डायग्राम ये हमें एक्चुअल में वैल्यू देगा और इसको ड्रॉ करते हुए ध्यान रखना है। ध्यान कैसे रखना है, मैं लिख देता हूं कि मान लो कि 10 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के बराबर है और यहां पे हमारे हमें वेक्टर की ताकत पता चलती है कि वेक्टर क्या चीज है, वेक्टर की ताकत पता चलती है, डायरेक्शन भी है हमारे पे, मैग्नीट्यूड भी है और यहां पे पावर पता चलती है कि उसको आप एनालिटिकल मेथड के बजाय ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है। अब मेरे पास ये वाला फोर्स जो होगा, ये फोर्स ये 100 न्यूटन है, तो मैं क्या करूंगा, ये लाइन खींचूंगा और वो खींचूंगा सिर्फ 10 सेंटीमीटर की। और ये वाली फोर्स जो है, देखिए ये इस साइड जा रहा है, इसको कहेंगे टेल, इसको कहेंगे हेड, और ये वाला जो जो हमारा फोर्स है उसको मैं ऐसे ही का ऐसे ही इधर मूव कर लूंगा। एक तरीका कि इसको आप जो हमारे पास सेट स्क्वायर होता है उसके बना सकते हो, एक तरीका की देखिए जमीन के साथ एंगल कितना बन रहा है 60, तो आप जमीन ऐसे बना लो, ठीक है, ऐसे बना लो और इसको आप ऊपर 60 डिग्री यहां से 60 डिग्री लगा के और यहां पे खींच देना, लाइन खींच देना, और ये कितनी आएगी, कितने सेंटीमीटर की आएगी, अगर 10 न्यूटन 1 सेंटीमीटर तो 80 कितना आ गया, और 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर की ये लाइन खींच देनी है, हो गया, खत्म हो चुका जी, आंसर आ चुका है। रिजल्टेंट का कैसे निकलेगा, आप सिर्फ यहां से एक लाइन खींचो और सीधी इसके साथ जोड़ दो बस, और स्केल उठाओ और उसकी लेंथ पता कर लो, स्केल उठाओ और उसकी लेंथ पता कर लो कितनी है, ठीक है। मान लो कोई भी लेंथ आ गई, मैंने अभी पता नहीं है, आपने मुझे आंसर बताना कमेंट में, आंसर आपने कमेंट में बताना कितना आया, मैं वैसे ही रफ कुछ भी, मैं क्योंकि अभी यूज तो नहीं कर रहा ना, आपने मुझे करके देख बताना भी, ये वाला क्वेश्चन अगर ऐसा आता तो कितना आएगा आंसर। तो मैं मान लेता हूं कि ये 16 आ गया, मान लो 16 सेंटीमीटर, तो रिजल्टेंट जो है 16 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, 16 सेंटीमीटर मींस 160 न्यूटन का फोर्स, 160 न्यूटन का फोर्स। और मजेदार एक और चीज बताऊं, बड़ी ही मजेदार दो, जो आपके पास रिजल्टेंट में था वो जो एनालिटिकल मेथड था, टेंजेंट फाई का फॉर्मूला लगाओ और वैल्यूज लिखो और कैलकुलेटर उठाओ, इसमें कोई कुछ नहीं निकालना, आपने क्या करना है, यहाँ डी रखनी है और ये वाला एंगल पता कर लेना है, डी रखनी है और ये वाला एंगल देखना है कितना है,
ये देख सकते हो ना यार, डी रखो, ये एंगल पता कर सकते हो ना, वो जो एंगल होगा वही एंगल फाई होगा, जितना भी आएगा वो एंगल फाई होगा। इतना आसान होता है ग्राफिकल मेथड, और हमें लगता है हाय हाय पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या हो गया। इतना आसान होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वो चाहते हैं कि आपकी जिंदगी को आसान बनाया जा सके। अब आप कई बार सोचने लगे थे ये एक लगते कहाँ होंगे, ये कहाँ होता होगा। अब दिक्कत यह कि हम नहीं आम जिंदगी में यूज करते ना ये चीजें, ठीक है। हम किसी चीज को खींचते हैं ना, जब कोई भी चीज है, कोई भी मान लो यहाँ पे चेयर पड़ी है और आप इसको इधर से और इधर से दो बंदे खींच रहे हो, वो कहता ना मैंने लेनी चेयर, वो कहता मैं लेनी है, तो वो रिजल्टेंट डिसाइड करेगा किस तरफ जाना है उसने, और कितना वो फोर्स होगा और कितने एंगल पे होगा, वो सारा कुछ कैलकुलेशन यहाँ पे हम कर सकते हैं, ठीक है। और मशीन के केस में खास करके जब मशीन चलती है ना, तो वहां पे ये नहीं है कि एक फोर्स लगी, दो पता नहीं कितनी कितनी फोर्स लग जाती है, तो वहां पे ये इसी तरीके से चलना है। और मेरी वो वीडियो देख सकते हो आप, जिसमें मैं मल्टीपल वैक्टर समझा रखा है, ठीक है, जिसमें आप ज्यादा जैसे पॉली वैक्टर्स हैं, ज्यादा वैक्टर्स हैं, तो उसको भी पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसको भी मैंने समझा रखा है, होगा ऐसे ही, ठीक है। मान लो मैं जल्दी से बताता हूं थोड़ा सा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मान लो कोई फोर्स कोई चीज है, उसको भाई इधर भी खींच रहे हैं, 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 वो जाएगा हाँ, मुझे क्या पता फाइनल फोर्स कहाँ लग रही है, तो मैं क्या करूंगा, बस वैसे का वैसे ही उठाऊंगा फोर्सेस, जितने जितने न्यूटन के उतने उतने सेंटीमीटर की लाइन खींच दूंगा, ये इधर, ये ऐसे का ऐसे उठा के यहां, जितने न्यूटन का उधर उतने सेंटीमीटर की लाइन, ये ऐसे का ऐसे उठा के उधर, जिधर जा रहा है, जिधर मुंह है, देखो इसका मुंह, इसका मुंह, इसका मुंह इस तरफ, ये इस तरफ जा रहा है तो इस तरफ बना दूंगा, ये नीचे आ रहा है नीचे बना दूंगा, ये देखो सारे ऑर्डर में जा रहे हैं, उल्ट ऑर्डर में मैं बना दूंगा जो रिजल्टेंट होगा, उल्ट ऑर्डर में मैं जो बना दूंगा वो रिजल्टेंट होगा, और जितनी वो लेंथ आएगी वही होगा रिजल्टेंट, कि किस तरफ चीज खींची जाएगी, किस तरफ फाइनली चीज जाएगी, किस तरफ, होता है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो शेयर करना मत भूलना, और कमेंट जरूर करना कि कमेंट में हमारे पास आंसर इसका कितना आएगा। थैंक यू सो मच।